भाई एच आर न्यूज देखने सर दर्शकों विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई। फिलहाल रोहतक में मैं मौजूद हूँ और जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देखने लग रहे हो कि एक बाबा जी धोनिया के बीच में बैठे और तपस्या करने लग रहा है। आज की बात करूँ तो इतनी गर्मी है कि बिना एसी कूलर के रहना बड़ी मुश्किल है और उसी बीच में एक बाबा जो आप देखने लग रहे हो तपस्या करने लग रहा है इतनी कड़कती गर्मी के अंदर। ये कारण के है, कौन है यू बाबा जी और तपस्या क्यों करने लग रहा है, के कुछ मांगने लग रहा है बाबा जी? आदेश आदेश खुश रहें, परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे, सभी दर्शकों को राम राम, जय माता की। आदेश खुश रहें बाबा जी। सबसे पहले एक बार अपना परिचय दो, आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या आपका नाम है? महाराज श्रवण कुमार जमदग्नी जी, आपने हमारी पहले भी वीडियो देखी होगी और अभी भी यार नहीं आए आपके सामने। तो वर्तमान में मैं रोहतक ही रहता हूँ, पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी होगी आप लोगों ने हमारी, मैं वर्तमान में रोहतक रहता हूँ। भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे को सेवा का मौका मिला। पहले 1.5 साल तो हमारी हो नहीं पाई थी, कई साल से हम ये तपस्या तो करते आ रहे हैं, ये 8 योग की साधना करते हैं हम। मानव कल्याण, जन कल्याण की सुख शांति समृद्धि के लिए हम ये तपस्या करते हैं। अच्छा, मानव कल्याण जन कल्याण की समृद्धि के लिए आप ये तपस्या करने लग रहे हो। जिस टाइम पर हमने आपकी पहले भी एक इंटरव्यू कराया था और लोगों को दिखा था, उस टाइम पर तो आप एक ज्योतिषी थे, यानी कि भाई फ्यूचर बताया करते, और अब जो बाबा बन के तपस्या करने लग रहे हो, इन दोनों का तालमेल किस प्रकार माना जा सकता है? देखिए, ज्ञान कभी भी हो सकता है। दूसरी बात ये है, ज्योतिष तो देखिए वो मैं अभी भी करता हूँ, ये तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं। परमपिता परमात्मा ने मेरे को इसे लायक दिया है तो लोगों का भला करने के लिए, जनरल कल्याण के लिए दिया है। महाराज तो मैं पहले से ही था, जो मेरा जन्म बाद में होया वो किसी भगवान का किसी वरदान से जन्म था मेरा, कोई वरदान है वो आगे आने वाले समय में हमारा पूरा होगा। तो मैं बार बार ये तप करता हूँ तो मेरी एक आस्था है, मेरे को ये, मैं बिल्कुल आंखों से अंधा हो चुका हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता, केवल दो ही चीज़ दिखाई देती हैं, परमात्मा भजन दिखाई देता और कुछ मेरे को दिखाई नहीं देता। और दूसरा, अगर थोड़ा बहुत समय मिलता तो मैं उसमें थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, और मेरा जिंदगी का कोई शौक नहीं है, जितने जो शौक थे सवार थे वो सब खत्म हो गए। बस अपना ये 8 योग की साधना कर रहे हैं, जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। पंच तत्व में पैदा हुए थे, पंच तत्व में ही चला जाना है, और परम पिता परमात्मा की जो भाग्य, जो परमात्मा ने जो लिखा है वो निश्चित है। अच्छा बाबा जी, एक बात मैं अगर पूछू इसी बीच में, तो जैसे आप इन 5 धुनिया के बीच में बैठो हो, पूरे इन्हें जड़ा कर, शुरू में बताया था कि 5 गोशा स्टार्ट किया था, 25 गोशे हो गया, यानी कि बहुत नहीं आग हो जाए, ऊपर तक आग राम बरसाने लग रहा, तो इस बीच में आप बैठो तो कष्ट नहीं आता? देखिए, परमात्मा भी सत्य देता है, अगर हम सत्य के ऊपर बैठते हैं तो परमात्मा हमारे को सत्य देता है और हमारे को ऐसा कोई महसूस नहीं होता। परमपिता परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कृपा हो जाती है तो वहाँ जाते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, एक पॉजिटिव अलग ही एनर्जी आ जाती है, खुशी लगती है। जैसे आप लोग एसी के अंदर बैठते हैं तो हम वहाँ धुणे के तपस्या के पास जाते हैं तो हम ऐसा हो गया, हम तपस्या में बैठते हैं तब तो हम एक एसी में बैठ गए। बाबा जी, तो कुछ दिन तक इतनी गर्मी हो रही है कि एसी और कूलर फेल हो रहे हैं कति जमानू, और आप चुकरते ना कोई पानी ना कमी, और ऊपर तक बाड़ू रेत पड़ने लग रहा है और फिर भी आप नौकरण लग रही है, मैंने एसी की लाग गया। ये जो गर्मी लगती है ये आप लोगों के लिए है, महात्माओं के लिए नहीं, महात्माओं को नहीं लगती। महात्मा होते हैं जो साधु संत होते हैं, वो इच्छाएं सभी मरी हुई होती है, धूप छा सर्दी सब उसके लिए बराबर होते हैं। शरीर को साधना, संत नाम उसी का है जिसको शरीर ने साध लिया। हम संतों की श्रेणी में आते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं, उससे हमारे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लोगों का जन कल्याण के लिए हम ये करते हैं। बाबा जी, बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि आज के दिन मतलब बढ़िया जिंदगी जीने लग रही है, अच्छा पैर हैं, उड्डक खावे हैं, बढ़िया घर में रहे हैं, पर आप बाबा बन गए इस इतनी जवानी में, क्या कारण रहा? बहुत सारे लोग जो रहते हैं वे उनकी माया अलग है भाई, उन्हीं को पता है, हमारे को तो इसी में आनंद आता है, हमारे को वो अच्छा नहीं लगता, हमारे को तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। परमात्मा भजन में सुरती है। देखिए, पहले तो हम 10 घंटे पूजा करते थे और माता ने हमारे को और समय बढ़ा दिया, 12 घंटे का समय दे दिया, और इससे बढ़िया क्या चाहिए। तब हम गर्भ के अंदर होते हैं तो हमारे शास्त्र बताते हैं, तो शास्त्रों में, और हे परमात्मा, इस गर्भ से बाहर निकाल, मैं 24 घंटे तेरा भजन करूंगा, तो मैं तो उस माँ बाप को भी बड़ा धन्य बोलता हूँ जिसने मेरे को जन्म दिया और जहाँ तक यहाँ तक मैं पहुँचा, और परमात्मा ने मेरा इतना भक्ति करने का जो समय दिया वो आप लोगों का सहयोग है, मेरे पास और कुछ नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद से, आप लोगों का सहयोग से, जनता की कृपा से यहाँ तक पहुँचे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भगवान बनना भी पा रहे हैं और तपस्या भी करने लग गया आजकल, बाद में उनका खुलासा हो तो पाखंडी पाऊं मैं,
उनके जब पोल खुले है तो उनके अंदर का जो मैल होगा ना वो दिखा जनता ने, तो वो फिर जेल में भी पावे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई, तप बोलता है बंदे के अंदर, तप बोलता है और इंग्लिश में कहते हैं तो भाई ईगो बोलता है। धर्म बढ़ेगा धर्म घटेगा नहीं, सच्चाई बीमार पड़ सकती है मरेगा नहीं, जैसा करोगे वैसा काटोगे ये निश्चित है। चाहे मेरी माँ है, चाहे मेरा बेटा, चाहे मेरा बच्चा, चाहे हम स्वयं हम, जैसा करोगे वैसा आप लोगों ने भोग भोगना पड़ेगा। और साधना तो कोई भी इंसान कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। एक इंसान घर गृहस्थी के अंदर भी रह करके इंसान कर सकता है। सबसे बड़ा शास्त्रों में बताया गृहस्थी जीवन है। हमारे पास काफी बच्चे आते हैं, महाराज जी मैंने कान पुड़वाने, महाराज जी मैंने बाबा पढ़ना फलाना बनता है, तो हम उनको यही शिक्षा देते हैं भाई हमारा तो देखो परम पिता परमात्मा जो कृपा थी गई, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। बार कोई बार अजपने में भी कोई आनंद नहीं है, सारा आनंद हमारे शरीर के अंदर ही है, सब कुछ है। आनंद भी इसी के अंदर है, वैराग्य भी इसी के अंदर है, गलत भी इसके अंदर है, पॉजिटिव भी इसके अंदर है, नेगेटिव भी इसके अंदर है। हमारे को एक चाहत होती है, हम तड़पते हैं। जैसे आप लोग गर्मी में बाहर से आते हो तो एसी को जैसे ये कंपलसरी समझते हैं भाई, रिलैक्स हो जाते हैं, तो हमारे को जब हम ये साधना करते हैं तो परम पिता परमात्मा कुछ आभास होता, हम ध्यान से योग योग से समाधि लगती है हमारी, शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 चक्रों की जागृति हो जाती है। तो जैसे महात्मा बुद्ध का, तो जैसे महात्मा बुद्ध जी थे और रजनीश जी थे, बड़े महान प्रचंड साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और काफी अच्छा लगता है, मतलब अलग ही फीलिंग आ जाती है हमारी। सब कुछ इच्छाएं कोई नहीं रहती, सभी स्वार्थ बिल्कुल डेड हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, और परमपिता परमात्मा की कृपा से पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उससे। हमारे को एडवांस में पता लग जाता है भाई, आपने देखा भाई सुबह 7 बजे अखबार आया तो आपको 7:02 में किसी को बताओगे कोई खबर है, और हमारे को एडवांस में पता लग जाता है। हम इस संसार में 10 फुट आगे चलते हैं, संत बहुत कम रह गए। संत का मतलब होता है शरीर को साधना, वो 3 चीजों से साधा जाता है, ध्यान से व योग से व साधना से। ये बाबे साधु संत और पाखंडी घने डाल के नाम हो रहे आजकल इनके, इनमें असली तपस्वी कौन है, असली संत किसको कहा जा सके है? असली संत उसी को कहा जाता है जो अपने आत्मा को ऊपर कंट्रोल कर लिया और मन को मार लिया, असली संत वही है। कोई भी है चाहे कोई भी है, घर गृहस्थी में रहकर भी संत होते हैं। इब तो एक चीज और आने लग गई की ये साधु संत है बाबे जो है झाड़े झूड़े लगानी है, और मेडिकला में जो है कि मेडिकला में जाने की जरूरत नहीं, हम ठीक कर दें, कोई लात मार के ठीक करने लग रहा है, कोई गुस्से मार के ठीक करने लग रहा है, ये कौन है? देखिए कोई संभव है, देखिए कोई लात मार के ठीक कर रहा है, कोई झाड़े ला करके ठीक कर रहा है, ये बात ठीक है। दवा और दुआ दोनों में काम है होता है। जो हम लोग जो तपस्या करते हैं, जो महात्मा लोग जो तपस्या करते हैं, उनके हाथ में जस हो जाता है, बाजा बाजा आदमी का जस हो जाता है, तो वो किसी को कह देता है जा भाई तो ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। अच्छा। और अपन लोकल भाषा में एक आदमी न्यू बता दे भाई, तरह जा तरह के न्यू बनेगा उसके साथ वैसे बन जाती है, तो उसको कहते हैं भाई काली जबान है तेरी तो। अच्छा, उसने काली जबान भी तो उसको काली जबान बोल देता है। महाराज कई दिन पहले जब अपनी मुलाकात हुई थी तो मैंने भी अपने बारे में कुछ पूछा था आपसे, भाई देखो इसने आप न्यू ना मानियो कि कोई प्रमोशन है किसी प्रकार की, कुछ और बात है, कुछ नहीं है। एक्चुअल मैंने जो सच्चाई देखी है वो आप लोगों को दिखाने लग रहा हूँ, मैंने नहीं पता इस बाबा ने क्यों करवेरा पटाया, या मेरे साथ मुचंती वो चीजें होनी थी, किसी और का प्रमाण नहीं ले रहा मैं, इस भाई का नहीं ले रहा, और बैठे इनका नहीं ले रहा, मैं अपना प्रमाण देने लग रहा हूँ। आज से ठीक 3-4 महीने पहले मेरे पैर में चोट लगी, बाबा जी ने पहले मेरे को बता दिया था कि भाई तेरा चोट लगने वाली है, संभल के रहना। मेरा चोट लगी, उसके बाद यहाँ पर दिखाना एक बार, ये देखो भाई, ये आप देख रहे हो यहाँ पर चोट लगी है, इसके बारे में बाबा जी ने मेरे को बताया कि तेरा चोट लगने वाली है। और कल मेरे साथ में एक और घटना घटी जिसका मेरे को 3 दिन पहले पता लग गया, बाबा जी ने एक पिन्ना पहले बता दी थी कि भाई ऐसे ऐसे तेरे साथ में इस प्रकार की घटना होने वाली है, संभल के आपको रहने की आवश्यकता है, लेकिन वो नुका रहा भाई जो क्रम में लिख रहा है वो तो होकर होगा, तो बाबा जी ने बताया और वह चीज़ मेरे साथ में वह घटना भी घटी, वह आप लोगों के साथ में शेयर तो नहीं कर सकता मैं। बाबा जी कैसे ये चीज़ मुमकिन होने लग रही है, कैसे आपने मतलब 7-8 चीज़ें मेरे बारे में बताई और सारी सारी एक्चुअल में सच हुई? देखिए साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट की भाई सारी दुनिया जो सर्च करते हैं वे सारी चीज खोज करते हैं, तो साइंस हमारा विश्व मानता है, हम शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। जो ध्यानी व योगी होते हैं जो लोग, वे भी एक साइंटिस्ट में ही होते, साइंटिस्ट ही होते हैं। तो जैसे हमारे को ना कुछ डिग्रियां दी जाती हैं, पढ़ाई होती है इस चीज की, ज्योतिष की, मैंने एस्ट्रोलॉजर की, नर्स वगैरह से काफी जगह से मैंने एस्ट्रोलॉजर का ज्योतिष का काम सीखे,
तो वो गणित है उसमें साइंस है, वो कैलकुलेशन करते हैं हम उसके, तो उसकी कैलकुलेशन से हमारे को पता लगता है। मतलब वो एक प्रकार की पढ़ाई है, हाँ उस वो पढ़ाई पढ़ाई के अकॉर्डिंग आप बताने लग रहे हो। न्यू नहीं है कि भाई कोई मतलब आंख बंद कर ली न्यू होगा वो होगा, वो चीज नहीं है। नहीं, आँख ऊख बंद करने से कुछ नहीं होता, आँख ऊख बंद करने से सब मनो का बहम है, ये कुछ नहीं, आँख अच्छा बंद करके कुछ नहीं बताया जाता, हम्म। ये एक ज्योतिष, हम ज्योतिष से बताते हैं। आज तक मेरे पास देखे, आप लोगों ने देखे होगा मेरी काफी वीडियो वायरल है, कम से कम 100 वीडियो तो काफी वायरल होगी मेरी शायद। आज तक जिस जो भी मेरे पास मीडिया वाला आया, जो मैंने बताया है, उसने आज तक स्वीकार करा, उसने एक्सेप्ट किया है हमारा जी, आपने जो बताया था वो हुआ है। एक चीज और बता दूं भाई, मैं अपने और बाबा जी के मुंह से भी कहवाऊंगा या बात सच्ची सक नहीं है। बाबा जी नो क्या करे, अगर मैंने जो बता दी ना, जो दावा कर दिया, अगर वह चीज ना हो आपके साथ में कुछ गलत होने लग रहा है यार, बाबा जी ने जो कर दिया वो सही ना हो तो मेरे ऊपर केस कर दिया आकर, होया करे महाराज जी को बात। देखिए अपना तो एक ये है, ये तो छोटी मोटी बात है, इनका तो कहना है कि है, आज इस देश के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले, हम तो उसको भी कहते हैं वही, अगर वही जो तेरा तप है या फिर हमारा तप है, या तो हमारा चैलेंज को स्वीकार करें, नहीं तो हम उसका चैलेंज को स्वीकार करते, आने वाले समय में पर्चा हमारे पास बनेगा हरियाणा में। अच्छा, हाँ जी, आने वाले समय में आप पर्चा बना करोगे? हाँ जी, यही बनेगा। अच्छा महाराज, कितने दिन हो और गए तपस्या? जब हमारी तपस्या हो जाएगी, तपस्या के पास हरियाणा में हमारे पास बना करेगा भाई, जो आज वो बताते हैं वो तो नजदीक बैठाते हैं, हम आदमी को कम से कम 50 फीट दूर बैठाएंगे, तो इतनी दूर से बैठे हम लोगों को ये बता देंगे, इसीलिए हम तप कर रहे हैं, हमारे शरीर चलो को, मैंने अपना शरीर खत्म वो करके कर चीज रहे तो हैं। अगर देखो होगी तो दुनिया देखा भी और सब कुछ सामने भी आओगा, है ना। पहले बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं पूछने लग रहा हूँ कितने दिन हो गए तपस्या? 4 दिन फिलहाल, 10 दिन हो गए। आज 11वां दिन है अच्छा, हमारी 11वां दिन है। तपस्या, आज अच्छा, 11वां दिन हो गया, ये 51 दिन के लिए जैसे तपस्या है आप कह रहे हमारी। थे कि जन कल्याण के लिए मैं तपस्या करने लग रहा हूँ, तो कोई आवे ऐसे मरण करे हाँ कोई आ सेवा जाते हैं, पानी रोड के ऊपर बैठे हैं काफी सेवक आते हैं, आते हैं? हाँ काफी आते हैं, ये बैठे भी हैं आपके कहते माँ सामने बाबा जो जी जन कल्याण कल्याण में रह जावे और ऐसा, खुद भूखा देखो मर जावे। दूसरी भूखा मरने वाली बात यार, दुनियादारी आओ से ना हो, आएगा तो हमारे पास मारे, मेरे लिए कोई नहीं आता, सब अपने स्वार्थ के लिए आते, मैं कड़वा हूँ इस बात में, हठ योग यही कहता है, आते हैं तो कोई स्वार्थ में आता, मेरे को स्वार्थ में कोई नहीं या आता, सच्चा है भाई, कोई भी देना आवे तो। परमात्मा ने, हाँ लेनी है मैं, मन हाँ ने दुनियादारी से कोई मतलब ना होता, मैं तो एकांत रहना पसंद करता हूँ, ताकि मैं मेडिटेशन मेरा ज्यादा हो सके। हाँ अच्छा, और यह चीज क्लियर है महाराज, अगर आपके पास में कोई आओगा, मान लो उसका देखो कोई आओगा, जैसे आप बता रहे हो कि फ्यूचर ही बताओ आप कि आने वाली घटनाओं से आदमी बच सके भाई, अपना संभल सके, तो गारंटी है कि बताओगे अगला गारंटी के अंदर रिटर्न में लेकर दे दें वैसे, जब अपने बेसन जाके केस करती है। जाकर केस कर दिया भाई। कहूँ था ना मैं, केस की गारंटी होता है, यानी कि नुको है बेशक केस कर काफी दिए वीडियो अगर में वह मैंने, चीज ना हो तो। काफी वीडियो में मैंने पहले भी बोल रखा है, आवेगा जिसको जो मैंने न्यू बता दिया ना, चाहे बेसंग भाई ऑपरेशन करा रखे हो, जन्यू का दिया छोरा होगा तो होगा फाइनल है। अच्छा हाँ कोई किंतु परंतु की कोई बात को नहीं, लोगों को 40 40 साल में यही आसपास में किसी को जोड़िया होने लग रहे हैं, जोड़िया तो होते ही हैं तकरीबन सभी अमितियों को पता है, तकरीबन हमारे पास जो आते हैं जिसको जो संतान का वरदान लेकर जाते हैं उनको जोड़िया हुए हैं, 40 साल में किसी, 25 साल में होते हैं, किसी 30 साल में होते हैं, ऐसे हुए होंगे मेरे हिसाब से 30 40 बच्चे हुए हैं हमारे पास अच्छा आने महाराज, से, कोई जड़ी बूटी नहीं, कोई परमात्मा ने केवल एक आशीर्वाद तप बोलता है। बहुत दूर तो आपने देखने लग रहे हैं, कैसे यहाँ पे पहुंचा जा, के एड्रेस होगा यू जिस जगह आप तपस्या करने लग रहे हो? देखिए मैं वर्तमान में यहाँ मैं रोहतक रहता हूँ, रोहतक में दिल्ली बाईपास के पास में है हमारा RTO ऑफिस है, गांव कनेली रोड के ऊपर है, यहाँ बैठे हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं महाराज जी, अच्छा ये हमारा एड्रेस रहेगा, अगर कोई किंतु परंतु कोई चक्कर रहे तो मोबाइल नंबर उसके ऊपर स्क्रीन के ऊपर डाल दिया डाल जाएगा। दिया जाओगे। हाँ चलो भाई, एक तो बात अच्छा का, एक बात एक का ध्यान रखें, किसी कोई भी व्यक्ति हमारे पास फोन करे तो सवेरे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक फोन ना करे, उसके बाद चाहे रात को 2 बजे कर लेना, बात हो जाएगी। तपस्या कब खत्म होगी, कितनी तारीख को होगी? तपस्या हमारी होगी जेठ की 79वीं को होगी, दिन तो लागे रह गए थोड़े, बाकी मन तो ईशा करा था, आत्मा तो न्यूकुए थी, हे परमात्मा मैं तो सारा आशा मैं कहूँ, हे परमात्मा मेरे को इस काबिल बना, मैं हर साल पूरा साल हर रोज तेरी तपस्या में करता रहूँ, बस चाहत रुका नहीं जाता, भंडारा भंडारा भी होता होगा कोई? भंडारा भी करेंगे भाई, सारे काम करें, भंडारा भी होगा माता की कृपा से, तुम्हारा आशीर्वाद से, परमपिता परमात्मा, चलो भंडारा भी होगा, जेठ की पूर्णिमा को हमारा भंडारा रहेगा। धन्यवाद बाबा जी। तो भाई ये थे हमारे साथ में श्रवण कुमार जी, और आप लोगों ने पूरी पूरी बातें सुनी हैं, और बाबा जी जो है तपस्या करने लग रहे हैं फिलहाल, और ज्योतिष के ज्ञाता भी हैं, और इनका दावा है कि आपके साथ में फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है क्लियर टू क्लियर बता देंगे, अगर ना वह चीज़ होवे तो भाई केस कर दियो, ऐसा इनका भी दावा है। फिलहाल वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें भाई बाबाजियों के लिए, और जो तपस्या कर रहे हैं हाँ
इनके लिए जय माता दी, जय श्री श्याम जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।